नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है कृषि के अंतर्गत जो है छठवें और अंतिम लेक्चर को कवर करेंगे। इसके माध्यम से हम लोग कृषि के सभी पक्षों का विश्लेषण करने के साथ साथ एक समझ को प्राप्त कर लेंगे। जो है कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है बतानी थी। कृषि का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार आय इत्यादि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर हम लोगों ने विस्तृत जो विश्लेषण किया और उसी क्रम में आज जो है कृषि के अंतर्गत ये जो छठवां और अंतिम लेक्चर हम लोग ले रहे हैं, इस पर जो है चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ छोटी छोटी जो है अवधारणाएं हैं कृषि से संबंधित, जिसको हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे और इसी के साथ साथ जो है इस लेसन को जो है समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके इसे जो देखते हैं। इसमें हम लोग फसल चक्र फसल सघनता सस्यन प्रणाली जोत यूं प्रकार स्वयं सहायता समूह और कृषि साख नीति। कृषि साख नीति, इसके पूर्व में जब हम लोग साख पर चर्चा कर रहे थे तो वहां पे छोटा सा जो है टॉपिक छूट गया था, तो इसलिए जो हम लोग यहाँ पे इसे कवर कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे कुछ जो है टॉपिक हैं जिसे हम लोग यहाँ पर जो देखने का जो प्रयास करेंगे। फसल चक्र, फसल चक्र जो है कृषि के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, एक महत्वपूर्ण जो सुविधा है, ये एक महत्वपूर्ण पहल होता है जिसके द्वारा हम भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के साथ साथ जो उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो फसल चक्र को ये कहा जा सकता है एक निश्चित क्षेत्र फल में जो है एक निश्चित समय के अंतर्गत जो है फसलों के क्रम को इस तरीके से जो है सुनिश्चित करना और फसलों को इस तरीके से जो है उगाना जिससे वहाँ पे उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाया जा सके तथा भूमि की उर्वरता को बचाया जाना संभव हो सके। तो यह पूरी व्यवस्था जो है फसल चक्र कहलाती है। यानी कि एक निश्चित समय, जैसे अब इसको उदाहरण के रूप में लिया जाए तो मान लीजिए हम जनवरी से जो है प्रारंभ करते हैं और गेहूं हमने जो है यहाँ पे उगाया, पूरा जो है गेहूं जाकर के अप्रैल में जो है समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे आप मक्का की भी खेती कर सकते हैं या जो है उड़द की भी खेती कर सकते हैं या मूंग की भी खेती कर सकते हैं। इस तरीके से जो है मक्का की भी कर सकते हैं, उड़द मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे कर दिया और इसके बाद जो है जुलाई में जाकर के आपने यहाँ पे चावल की खेती कर लिया या जिसे धान आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, और ये चावल आप देखेंगे कि नवंबर के माह में जाकर के इसकी कटाई हो जाती है, यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर अगर इसको हम मान लेते हैं तो एक वर्ष का समय हो गया। तो किसी क्षेत्रफल में एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत फसलों के जो है क्रम को इस तरीके से जो उगाना जिससे जो है भूमि की उर्वरता बनी रहे और वहां पर फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है? फसल चक्र कहलाती है। तो ये व्यवस्था जो है भारत के सभी क्षेत्रों में एक बेहतर जो है प्रबंधन, फसल प्रबंधन को जो है उद्देश्य में रखते हुए किया जाता है कि एक जो है अनाज की फसल हो गई, एक दलहन हो गई पुराना, तो इस तरीके से जो है दलहन अदलहन का जो है एक कॉन्सेप्ट जो है बन जाता है जिसके आधार पर फसल चक्र को जो है हम लोग व्यवहार में क्रियान्वित करते हैं। यह इस सिद्धांत और अवधारणा पर आधारित होता है कि इसमें एक फसल जो है ज़्यादा सिंचाई वाली, एक फसल कम सिंचाई वाली की जाती है, या इसी तरीके से एक ज़्यादा उर्वरक वाली, एक कम उर्वरक वाली की जाती है, एक दलहन की जाती है, एक अदलहन की जाती है, इसी तरीके से एक जड़ वाली जो है फसल की जाती है और एक बिना जड़ वाली फसल, जैसे अरहर आपकी है ये जड़ वाली फसल है, लेकिन अगर अब इसी में जो है जैसे गेहूं है तो ये जड़ वाली नहीं है।
तो यह इस अवधारणा पर आधारित होता है कि इसमें परिवर्तन या फसलों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है ताकि एक बार में जमीन पर जो है उर्वरता को लेकर या अन्य किसी भी प्रकार के कारक के लेकर के दबाव न बने और फसलों में एक संतुलन बनी रहे और उत्पादन उत्पादकता जो है बढ़े, भूमि की उर्वरता भी जो है क्षमता बनी रहे। तो इस आधार पर इसमें जो फसल चक्र को अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य, फसल चक्र के उद्देश्य, अब जैसे उद्देश्य भी इसी परिभाषा में था कि उत्पादन एवं उत्पादकता, उत्पादन एवं उत्पादकता, भूमि की उर्वरता, भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण, ये सभी जो है फसल चक्र के उद्देश्य होते हैं। और जब हम इस तरीके से जो है फसल चक्र को अपनाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है खरपतवार, कीट इत्यादि का भी जो है नियंत्रण होता है। तो ये सब जो है इसके उद्देश्य होते हैं। यानी कि फसल चक्र का मतलब हम लोगों ने देखा, फसल चक्र के जो है सिद्धांत को देखा, फसल चक्र के हम लोगों ने उद्देश्य को देखा कि इस तरीके से जो फसलों को उगाया जाता है। तो ये हम लोगों ने फसल चक्र को इस रूप में जो है समझ लिया। इसी में जो है हम लोग एक दूसरा है फसल सघनता। फसल सघनता से तात्पर्य जो है एक निश्चित समय में जो है कुल बोए गए जो क्षेत्र तथा निबल कृषि क्षेत्र के जो है अनुपात को जब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो वो क्या होता है, फसल सघनता होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक निश्चित समय का मतलब एक वर्ष हो गया और एक बीघे जमीन है उसमें हम कितनी बार जो है फसल उत्पादन करते हैं, एक बीघे क्षेत्रफल में हम जो है अगर 3 बार फसल कर लेते हैं तो 3 बीघा कुल जो है बोया गया क्षेत्र हो जाता है। लेकिन निबल कृषि क्षेत्र कितना है, 1 ही बीघा है। तो इसके आधार पर जो है फसल की सघनता को जो है निकाला जाता है। यानी कि कुल बोया गया क्षेत्र बटे जो है शुद्ध कृषि क्षेत्र और गुणे जो है 100, ये आपका निकल आएगा फसल सघनता। यदि यह जो है 200% से जो है अधिक होता है तो गहन जो है सस्यन कहलाता है, और अगर ये जो है 200 से कम होता है तो ये जो है विरल सस्यन कहलाता है। भारत में जो है 160 के आसपास जो है सस्यन की स्थिति है। यानी कि जितना क्षेत्रफल है उसका 1.5 गुना जो है वहां पे बोया गया क्षेत्र फल होता है। तो इस तरीके से जो है यह क्या कहलाता है, फसल सघनता कहलाता है। कि जितना क्षेत्र कुल हम किसी खेत में जो है एक साल में जितना भी बुआई करते हैं उसके अनुपात को हम वहां के शुद्ध कृषि क्षेत्र से करते हैं। यही जैसे है 1 बीघा का क्षेत्रफल है और इसमें जो है 3 फसलें ली गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा और ये जो है 1 ही हो जाएगा और ये 100 है ही। तो इस तरीके से जो है ये निकाला जा सकता है। तो प्रतिशत हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत हमारा 300 हो जाएगा। लेकिन ये अनुपात रूप में या औसत रूप में जब निकाला जाता है तो हर जगह वो उतना नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ कम होता है, या कहीं 1 ही बार बोया गया, कहीं 2 बार बोया गया, कुछ खेत छूट भी जाते हैं। तो एवरेज जो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.6 के आसपास जो बनता है या 160 के आसपास बनता है। तो ये व्यवस्था रही जो फसल सघनता के बारे में। सस्यन प्रणाली क्या है, सस्यन प्रणाली का मतलब एक व्यापक शब्द है सस्यन प्रणाली। जैसे किसी क्षेत्र में जो है फसल को उगाने की संपूर्ण व्यवस्था को अगर देखा जाए तो सस्यन प्रणाली कहलाती है। यानी कि किसी जो क्षेत्र में, किसी जो है परिवेश में जो है वहां पे उपलब्ध समस्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनाए गए जो है फसल चक्र और वहां के प्रबंधन की संपूर्ण व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सस्यन प्रणाली कहा जाता है। अब ये प्रबंधन इत्यादि इसलिए किया जाता है ताकि एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित समय में हम अभीष्ट उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना सफल कर सके, संभव बना सके। तो ये होती है पूरी जो है सस्यन प्रणाली। अगला है ज्योति एवं प्रकाश।
जोत जैसे ये होता है ना कि कृषि में जोतों का छोटा आकार होना, ये हम लोग जो है समस्या के रूप में सुनते हैं। तो जोत का तात्पर्य जो है किसी किसान परिवार को उसके भरण पोषण के लिए भूमि का जो क्षेत्रफल उपलब्ध होता है वही उसका जो है जोत होता है। भारत में अगर परिमाणिक आधार पर देखा जाए कि किस तरीके की जोत जो है लाभदायक हो सकता है, किस तरीके का जो है लाभदायक नहीं हो सकता, उसके आधार पर तीन प्रकार के जोत होते हैं। लाभ जो है लाभदायक जोत, आनुपातिक जोत होता है, लाभदायक जोत होता है, और जब हम क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं तो तीन प्रकार से मूल रूप से, बाकी तो चार प्रकार से भी उसको जो है दिखाया गया है। चार प्रकार से जोत होते हैं, सीमांत जोत, लघु सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत और दीर्घ जोत। ये हो गया। और जो परिमाण के आधार पर हमने बताया उसमें जो है आपका लाभप्रद, लाभप्रद जोत, पारिवारिक जोत और अनुकूलतम जोत। सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत, दीर्घ जोत। अब यहां पर जिसके पास जो है जीरो से लेकर एक हेक्टेयर के बीच में जो खेती होती है उसे कहा जाता है, दो से लेकर एक से लेकर के जो है एक से लेकर के दो के बीच में जिसके पास होता है वो आपका लघु जोत होता है, दो से जो है दस के बीच में और दस से जो है अधिक जिसके पास होता है वो दीर्घ जोत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 64% जो है किसान इसी क्षेत्रफल में काम कर रहे हैं, 18% यहाँ पर है, 16% यहाँ पर है और यहाँ पे मात्र जो है 2% जो है किसान है, यानी कि 2% किसानों के पास जो है 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है, जबकि 64% ऐसे लोग हैं जिनकी भूमि की औसत जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से कम है और 0 से ज्यादा है। तो ये स्थिति बन रही है भारत की। तो कहीं ना कहीं भूमि का जो आवंटन है, वितरण है, वो भी आसमान है और यही एक समस्या भी होती है। आधुनिक यंत्रों का भी प्रयोग सीमांत जोत के किसानों को नहीं किया जाए। लाभप्रद जोत, पारिवारिक अनुकूल, लाभप्रद जोत का मतलब जिसमें रोजगार हमेशा से प्राप्त होता हो, जीवन स्तर उच्च हो जाता है, लोगों को हमेशा से जो अच्छे आय प्राप्त होते हैं, तो ये सारी जो चीजें कहलाती हैं लाभप्रद जोत के अंतर्गत। ये तो जोत और जोत के जो प्रकार को हम लोगों ने देख लिया, सीमांत, लघु, मध्यम और दीर्घ जोत के अंतर्गत इसे जो है आता है। स्वयं सहायता समूह, जब समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा एक समूह बनाया जाता है जिससे कि वे सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं और अपना विकास करने का प्रयास करते हैं, तो यह स्वयं सहायता जो है समूह कहलाता है। सामान्यतः इसमें 10 से अधिक लोग जो सम्मिलित होते हैं। 1992 में नाबार्ड के द्वारा ये जो पहल किया गया था और स्वयं सहायता समूह जो भारत में जो बनाया गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गैर संस्थागत जो ऋण की व्यवस्था थी उसे जो है ऋण बाजार व्यवस्था से जो बाहर कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में लोग होते थे उन्हें अपने कार्यों के लिए, अपने आर्थिक गतिविधियों के लिए, कृषि गतिविधियों के लिए लोन की जरूरत होती थी और वो लोन जो है वो साहूकार और महाजन से ले लेते थे। तो ऐसी स्थिति में जो है यह एक समस्या बन जाती थी और इस समस्या से निपटने के लिए जो है 1992 में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बैंक के द्वारा जो है स्वयं सहायता समूह जो है प्राप्त किया गया। इसमें जो है भूमिहीन जो है कृषक, श्रमिक लोग, रिक्शा वाले, रेडी वाले, इस प्रकार से जो है लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और वे सामूहिक रूप से प्रयास करके अपने विकास, बचत एवं ऋण की जो व्यवस्था को जो प्राप्त कर पाते हैं। उसमें कुछ लोग मिल करके अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, निवेश करते हैं, उसके बाद जब जमा करते हैं तो जिसको जरूरत होती है वहां से वो प्राप्त करता है। सरकार के द्वारा इसमें कुछ न कुछ जो है सहायता भी दिया जाता है जिससे लोग स्वयं प्रयास करके क्षमतावान बन पाते हैं। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये स्वयं सहायता समूह जो बनाया गया है। कृषि साख नीति, जब हम कृषि सुधार पढ़ रहे थे तो उसमें संस्थागत और तकनीकी स्तर में जो हम लोगों ने बात किया था कृषि सुधार में, तो तकनीकी में हम लोगों ने जो साख, संस्थागत में जो हम लोगों ने साख को भी देखा था, तो कृषि साख नीति वहां पे छूट गई। कृषि साख नीति का तात्पर्य समय समय पर सरकार के द्वारा ऋण और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर कृषि साख नीति बनाई जाती है। वर्तमान समय में जो कृषि साख नीति बनाई गई है उसके अंतर्गत सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए जो है या निजी बैंक दोनों को ही जो है ये आवश्यक है वो अपनी समस्त ऋण का जो है 40% भाग जो है वो प्राथमिक क्षेत्रों को जो दें, प्राथमिक क्षेत्रों को जो है वो
लोन देते हैं, प्राथमिक क्षेत्रों को दे रहे हैं। अब प्राथमिक क्षेत्रों में क्या आता है? कृषि, शिक्षा, आवास 10 लाख रुपए तक के, और लघु उद्योग आते हैं। ये चार क्षेत्र हैं जिन्हें जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्र। यहां से भी सवाल पूछे गए कि बैंकों के द्वारा दिए गए जो है ऋण के जो प्राथमिक क्षेत्रों में कौन कौन से, तो आते हैं इन सभी क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और इन प्राथमिक क्षेत्रों में से 18% जो है केवल कृषि के क्षेत्र में लिया जाता है, 22% जो भाग में तीनों ही क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके से जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित कर देने के कारण से जो है इन क्षेत्रों को लोन देना वाणिज्यिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए जो है आवश्यक हो जाता, बाध्यता हो जाती, जिससे इन क्षेत्रों का भी विकास हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि इन छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से जो है आपको कृषि के इस पूरे टॉपिक को समाप्त कर एक बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में आप लोगों को मदद मिली हुई होगी। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोगों ने कृषि के 6वें और अंतिम जो है चैप्टर को जो समाप्त किया। अगले लेक्चर में पुनः हम एक अलग और नए टॉपिक से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।